हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग S7 एज को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो होता है, एक तो हम सेटिंग में जाके फॉर्मेट कर सकते हैं और एक डायरेक्ट फ़ोन को स्विच ऑफ करके पावर प्लस मेनू प्लस वॉल्यूम बटन प्रेस करके भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो हम पहले आपको बताते हैं कि सेटिंग में जाके कैसे फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं। फिर पहले हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे रीसेट सर्च मारते हैं, फिर हमारा रीसेट हमें मिल जाता है तो हम रीसेट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से फ्रंट फैक्ट्री डेटा रीसेट में जाके हम रीसेट डिवाइस कर देते हैं और यहाँ से डिलीट ऑल कर देते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड हमारा फ़ोन रीसेट हो गया। और इसके लिए हम फ्रेंड एक ये भी कर सकते थे कि वॉल्यूम आप पावर मेनू तीनों बटन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ करके तीनों बटन कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। और फ्रेंड एक बात का और हम ध्यान रखते हैं कि फॉर्मेट करने से पहले कि हम कोई भी अकाउंट लॉग इन नहीं करते हैं, अकाउंट को रिमूव कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ से आ गया, यहाँ पे हम जाते हैं फैक्ट्री रीसेट पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पावर बटन से ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से और हम एस पे क्लिक करके ऑल डेटा डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा नीचे शो करता है कि हमारा फैक्ट्री डेटा फॉर्मेटिंग डेटा मतलब सारा डेटा रिमूव कर दिया। उसके बाद रिबूट नाउ पे जाके हम पावर बटन से क्लिक करते हैं तो वो रिबूट कर देता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारा सैमसंग S7 फॉर्मेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने के लिए, 1 to 2 मिनट। फ्रेंड उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन लेता है जिससे कि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है। इसके बाद फ्रेंड हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, उसके बाद हम उसकी प्रॉपरली सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम पहले लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड होता है, जो भी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सारे सेटअप को सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमें डेटा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर हम डेटा कनेक्ट करना चाहते कनेक्ट कर सकते, अगर नहीं भी कनेक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हम एग्री ऑल कर देते हैं फ्रेंड। यहाँ से अगर आप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन डायग्नोस्टिक डेटा हटाना चाहते हैं, डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड हम नेक्स्ट कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक करता है एक बार प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड यहाँ पे अगर हम अपना गूगल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। से गूगल सर्विसेज है, यहाँ से भी हम नेक्स्ट सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड अगर हम पैटर्न पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिंगरप्रिंट पासवर्ड अगर नहीं करना चाहते तो नो एंड थैंक यू करके हम स्किप कर देते हैं। फ्रेंड इस प्रकार से हम सेटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा सैमसंग S7 फोन रीसेट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।